दोस्तों एचसीएल टेक के शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का प्रॉफिट 13% घटा है और रेवेन्यू 15.7% बढ़ा है। और दोस्तों ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी का ज़्यादातर वर्टिकल में प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है, हालांकि मार्जिन पर आगे कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। और नतीजे के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में खरीदने की सलाह दी है और कुछ ने न्यूट्रल और होल्ड करने की भी सलाह दी है। दोस्तों ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर में होल्ड की सलाह देते हुए टारगेट को 1430 रुपए रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं, लेकिन सर्विस पर मार्जिन प्रेशर भी दिखा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मैनेजमेंट की कमिटी बेहतर है और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू गाइडेंस रखा है। हालांकि दोस्तों सीजनल छुट्टियों का कुछ असर दिख सकता है, जिसका इम्पैक्ट अगले कुछ महीने में दिखेगा। वहीं दोस्तों ब्रोकरेज हाउस CLSA ने शेयर में आउट परफॉर्म की सलाह देते हुए 1450 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ शानदार रही है, लेकिन मार्जिन पर आउटलुक कमजोर है। वहीं दूसरे ब्रोकिंग फर्म जैसे कि जेफ्रेन और नोमुरा ने 1580 रुपए का टारगेट दिया है और JP Morgan ने 1500 रुपए का टारगेट दिया है। क्रेडिट स्विस ने 1650 रुपए का टारगेट दिया है। बर्नस्टीन ने 1540 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि UBS ने 925 रुपए का टारगेट दिया है। तो दोस्तों देखा जाए तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं HCL Tech के शेयर को लेकर। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट HCL Tech के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।